सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल थिंग यूट्यूब चैनल वीडियो। फ्रेंड्स, मैंने आपको इससे पहले वीडियो बारे में बताया था कि फ्रेंड्स कैसे आपको आरपीएफ फॉर्म के बारे में कौन कौन से स्टेप ध्यान देने हैं, क्या क्या करने। तो फ्रेंड्स, आप मेरी वो वीडियो जाके देख सकते हैं, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। फ्रेंड्स, वहाँ जाएँ और जाके वो वीडियो देख सकते हैं। फ्रेंड्स, तो मैंने उसी में एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस किया था पिछली बार वीडियो में कि फोटोज़ के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं पूरी क्लेरिफिकेशन करूँगा फोटोज़ की, कैसे कैसे आपकी फ़ोटो रहनी चाहिए और आपकी फ़ोटो नहीं रिजेक्ट होगी, जो जो मैं आपको टिप्स बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, बने रहिए इस यूट्यूब चैनल वीडियो से। फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स अगर आप नए हैं तो फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए ये वीडियो किसके जिसके लिए हेल्पफुल हो। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मैं बताना चाह रहा हूँ, फ्रेंड्स जैसे कि आप देख रहे होंगे, फ्रेंड्स ये जी पॉइंट दे रखा है यहाँ पर, अपलोडिंग ऑफ कलर फोटोग्राफ, ये 50 नंबर पेज है, ये वही नोटिफिकेशन पेज है। फ्रेंड्स, जो मैंने इससे आपके पहले वाली वीडियो में बताई थी कि ये नोटिफिकेशन जाकर आप ये पेज डाउनलोड कर सकते हैं, फ्रेंड्स उसमें ही लिखा है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताया था फ्रेंड्स क्या है ये, देखिए फ्रेंड्स आप जी पॉइंट में देख रहे होंगे, फ्रेंड्स जी लिखा है उसके बगल में, फ्रेंड्स अपलोडिंग ऑफ कलर फोटोग्राफ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है सेलेक्ट द अपलोड फोटो टैब एंड अपलोड योर रिजेक्ट कलर फोटो, द फोटोग्राफ शूट कंपनी विद द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट। तो कुछ रिक्वायरमेंट है फ्रेंड्स, तो इसमें फ्रेंड्स कुछ टिप्स दे रखे। तो पहला टिप्स फ्रेंड्स ये, द कलर पासपोर्ट फोटोग्राफ विद वाइट एंड लाइट कलर बैकग्राउंड। तो फ्रेंड्स आपकी फोटोग्राफ की जो बैकग्राउंड होती है पीछे की साइड, तो फ्रेंड्स वो वाइट या लाइट होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स मैं सजेशन देता हूँ कि आप वाइट ही बैकग्राउंड करें, जैसे ये देख रहे हैं, जैसे मेरा आप इस वीडियो का फ्रंट पेज का बैक देख रहे हैं वाइट, तो फ्रेंड्स वैसे ही करा लें आप, वाइट पेज फ्रेंड वाइट बैकग्राउंड अच्छा रहेगा। फ्रेंड्स दूसरा पॉइंट ये, फोटोग्राफ ऑफ साइज 35 mm टू 45 mm विद नेम एंड डेट प्रिंट ऑन इट। तो फ्रेंड्स फोटो की जो लेंथ और बेस साइज होगी फ्रेंड्स वो 35 to 45 mm में होनी चाहिए। जब फ्रेंड्स आप फोटो क्लिक कराएंगे तो फोटोग्राफर को बोलेगी 35 to 45 mm की फ़ोटो होनी चाहिए, और फ्रेंड्स उस फोटो के नीचे फ्रेंड्स आपके जो फोटो है उसके नीचे नेम और डेट होना चाहिए उसी दिन का। फ्रेंड्स वो नेम डेट फ्रेंड्स आप एक्स्ट्रा नहीं करवाएंगे, उसी के फ़ोटो के में ही होना चाहिए। एक्स्ट्रा आप 10 mm नहीं बनाना है फ्रेंड्स, उसी 30 to 45 mm में ही आपका नेम और डेट होना चाहिए, वरना फ्रेंड्स आपका फ़ोटो रिजेक्ट हो सकता है। तो फ्रेंड्स आप ये दो पॉइंट ज़रूर याद रखें। और फ्रेंड्स थर्ड पॉइंट फ्रेंड्स मेरा ये है कि इट शुड बी इन JPG एंड JPEG फॉर्मेट स्कैन विद 100 DPI। ये 100 DPI कुछ नहीं है, लेकिन आपको जो फ़ोटो होना चाहिए जब आप फ़ोटो अपलोड करेंगे, क्या वो JPG में होना चाहिए या JPEG में होना चाहिए, ओके फ्रेंड्स इस फॉर्मेट का होना चाहिए। फ्रेंड्स फोर्थ पॉइंट ये, द साइज ऑफ द फोटोग्राफ शुड बी बिटवीन 15 to 40 KB। इसमें लिखा है 15 to 40 KB, जब आप अपलोड ऑप्शन में जाएंगे तो फ्रेंड्स उसमें 20 to 50 KB है, लेकिन आप 15 to 40 KB के बीच में आप अपने फ़ोटो के साइज़ रखिए जब आप अपलोड करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अब ये लास्ट के जो दो पॉइंट फ्रेंड्स ध्यान सुनिए फ्रेंड्स, ये बहुत मेन है आपके फ़ोटो के लिए। द कलर फोटोग्राफ मे बी डिपेंडेड इन अ प्रोफेशनल स्टूडियो, ओके फ्रेंड्स प्रोफेशनल स्टूडियो में फ्रेंड्स में फ़ोटो खिंचाए। फोटोग्राफ्स टेकन यूजिंग मोबाइल एंड सेल्फ कंपोज, आप सेल्फ फ़ोटो ना ले, या जैसे सेल्फी होती है खुद से आप फ्रंट कैमरे से फ़ोटो ना क्लिक, रिजल्ट इन रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन, इससे आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। फ्रेंड्स जैसे कि मैंने बता रहा हूँ, आप जाके स्टूडियो फ़ोटो खिंचाए अच्छे से, जो जो मैंने ऊपर पॉइंट्स बताए वो उस पॉइंट के हिसाब से, और ख़ुद से फ़ोटो ना खींचे, ना ही सेल्फी ना ही सेल्फ क्लिकिंग, ओके फ्रेंड्स। अब लास्ट स्टेप ये फ्रेंड्स, द फोटो should have clear front view of the candidate without cap and sunglasses। जो आप नॉर्मली स्पेक्स पहनते हैं पढ़ाई के समय, तो वो आप नॉर्मल स्पेक्स पहन सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स जब आप स्पेक्स पहन के फ़ोटो खिंचाएंगे तो फ्रेंड्स में कोई भी आपके जैसे फ़ोटो खिंचाते फ्रेंड्स जैसे फ्लैश लाइट आती है ना आपके आँखों से, तो फ्रेंड्स वो ना आए, फोटोग्राफर बोल दे फोटोग्राफर को वो ना आए, और सन ग्लास ना पहने और कैप ना पहने, और आपका फोर हेड दिखना चाहिए, आपका माथा दिखना चाहिए, और सही से फ़ोटो क्लिक कराए। तो फ्रेंड्स ये कुछ टिप्स थी फ्रेंड्स, आप पढ़ सकते हैं कि कैसे कैसे आप अपने फ़ोटो को अपलोड करें।
तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स मैं इसी आरपीएफ पे फ्रेंड्स और आगे वीडियो बनाऊंगा, कौन सी आपको बुक्स लेनी चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे आप फिजिकल टेस्ट पार करें। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी। फ्रेंड्स अगर फ्रेंड्स ये वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स लाइक ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स, और आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में जा सकते हैं जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन दिया फ्रेंड्स, वहाँ जाए आप मुझे फॉलो करें और आप अपना क्वेश्चन लीव कर सकते हैं मुझे इनबॉक्स में। फ्रेंड्स मैं आपका जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स गुड बाय, टेक केयर।